अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। आज जो वो हम लोग पैकेज लेके आए हैं वो आपके सामने है, देखिए। हमने मंगवाया है आज 600 से 700 रुपए की रेंज में आने वाला ये लूनर का गजब का पैकेज, आप देख सकते हैं। और मुझे इसकी डील अच्छी लगी 600 से 700 रुपए में, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी आपको दिखा देता हूं मैं इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं, क्या क्या है। देखिए यहां पर थोड़ा सा जेल दी गई है, देखिए लूनर बैग्स। और यहां पर देखिए दिखाया गया है थिकनेस इज दिस बैग इज़ मोर देन 50 माइक्रॉन्स, तो शायद ये इस के लिए कहा जा रहा है। मेक इन इंडिया सबसे बड़ी बात लिखी गई है, मेक इन इंडिया है। मैन्युफैक्चर्ड भी भाई दिखा रहा है महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज और बेंगलोर द्वारा जो है ये बनाया गया है। अच्छी चीज़ है, ये मेड इन इंडिया है। और अभी एंटर करते हैं मेन पैकेज के अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो स्टिकर लगाया गया है इसके ऊपर डिटेल्स में आपको दिखाना चाहूँ तो वन सेकेंड, ये देखिए आप आराम से। और यहाँ पर देखिए ब्रांड लूनर्स दिया गया है, मॉडल नेम दिया गया है कॉमेट, और सेलर की डिटेल। और यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो 1699 रुपये दिया गया है, और लेकिन ये हमारे को मिल जाता है मात्र 600 से 700 रुपये की रेंज में। परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ी बात इसकी स्ट्रैप जो है वो कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है, देखिए आप यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ध्यान से, इस तरह से ये बाहर की तरफ खुलती है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी ग्रिप देती है, आपके कंधे पर अच्छे से लटकती है। ये आपके जो चेस्ट साइड है वहाँ पर अच्छे से आता है, बीच में ये इसलिए दिया गया है ताकि ये फटे ना अच्छे से क्वालिटी। और इसकी जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे से पैडिंग की गई है। यहाँ पर देखिए स्वेट आपको नहीं आएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर्म दिया गया है ये काफ़ी ऐसा है जैसे मतलब हवा ले सकता है, ये सांस ले सकता है, ठीक है, मतलब कुछ इस क्वालिटी का है। और यहाँ पर भी जो वो है कुशन पीछे वाला इतना ज़्यादा तो नहीं है पीछे वाला, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाटर होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है ताकि एकदम से एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और इंस्टेंट एक्सेस के लिए है, यहाँ पर अपना वॉलेट वगैरह आप नोटबुक रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको फटाफट एक्सेस करनी हो, इमरजेंसी में आपने फ़ोन रखा हुआ है वो एक्सेस कर सकते हैं, पावर बैंक रख सकते हैं। नंबर टू पर जो वो एक और छोटी कंपार्टमेंट है जो इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो वो आप कुछ अपनी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पर पेन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर कोई छोटी नोटबुक और कुछ भी कार्ड वगैरह पैसे वगैरह कुछ भी रखना चाहें आप, लूज़ में रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। अंदर से और एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ये वाला कंपार्टमेंट, ये है इसका मेन कंपार्टमेंट जो बीच का है, जिसके अंदर आप थिंग्स रख सकते हैं, सामान अच्छे से रख सकते हैं, वो वाला कंपार्टमेंट है। और लास्ट वाला पार्ट आई थिंक ये जो है लैपटॉप के लिए होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं लैपटॉप के लिए दिया गया है। सामने यहाँ पर जो स्लीव दी गई है अच्छे से, जिसमें आप अपना रख सकते हैं लैपटॉप को। यहाँ पर स्टिकर भी जो दिया गया है लूनर्स का, ताकि आपको थोड़ा फील रहे कि ये ओरिजिनल बैग है, यहाँ पर जो कोई काटा छाँटी धोखा धागा नहीं है। कई बार जब वो मैंने देखा है सेलर्स जो वो फेक प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। आप परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इसको परचेज़ किया है। ये लूनर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, और अगर लूनर स्पॉन्सर करना चाहें तो कमेंट में और हमें मेल आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम लोग आने वाले समय में और वीडियोज़ भी इस तरह के बैकपैक की बनाना चाहेंगे। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से ओपन करके इसको प्रॉपर। बाकी कंपार्टमेंट आपको दिखा देते हैं, इसमें पावर बैंक वाला भी लग जाता ऑप्शन तो काफ़ी मज़ा आ जाता, उससे थोड़ा अच्छी फील आने लगती है, क्योंकि वो साइड में ऑप्शन लग जाता है उससे मोबाइल आपका हाथ में भी चार्ज होता रहता है। यहाँ पर देखिए आप इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है, ये देखिए ये बैकपैक वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आपको आनंद आ जाने वाला है। और इसके जो मैं लीटर्स की बात करूँ तो ये 35 लीटर का है, 35 लीटर का है, इनको लीटर्स में काउंट किया जाता है जो मटेरियल इनके अंदर आता है। वैसे पानी नहीं भर सकते इसके अंदर लीटर्स में, आप जैसे सोचें
और बाकी फ़ीचर्स मैं आपको इसकी साइड में दिखा रहा हूँ, आप साइड में देख सकते हैं इस बैग के। ये जो वो मटेरियल पॉलिएस्टर का है, वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन काइंड ऑफ मतलब वाटर रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हैं, आप इसकी देख सकते हैं और मैं आपको पहन करके दिखाता हूँ इसकी फील कैसी है। और अगर ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे ज़रूर दबाइएगा।